बहुत ज्यादा। हाँ जरूर जरूर देंगे वोट, जरूर मेरा वोट तेरे पास ही जाएगा। नमस्कार बट्टी भाई, क्या हाल है? हार्दिक शुभकामना, नमस्कार हो गया आपका पक्का? वोट इधर ही डालना आपने। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। कहीं नामांकन शुरू हो चुका है तो कहीं उम्मीदवारों के नाम पर फैसला हो रहा है। इस बीच मुरादाबाद में सबसे छोटे कद के उम्मीदवार का नाम सामने आया है। ये है 3 फीट 8 इंच के पार्षद पद के उम्मीदवार प्रवेश चावला। प्रवेश वार्ड नंबर 21 के आदर्श नगर पंजाब कॉलोनी से अपना नामांकन कराने कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुँचे थे। प्रवेश चावला हर सवाल का बड़ी सटीकता के साथ जवाब देते हैं। उनका कहना है कि मैं उन लोगों की आवाज बनने के लिए राजनीति में आया हूं, जिन्हें लोग देख करके भी अनदेखा कर देते हैं। मेरा नाम प्रवेश चावला है, मैं आदर्श नगर पंजाबी कॉलोनी वार्ड 21 से सभासद का प्रत्याशी हूं निर्दलीय। आज नॉमिनेशन किया आपने? हाँ जी, आज मैंने नॉमिनेशन करा और मेरे भाइयों ने, मेरे परिवार ने, मेरे सबने मेरा प्रॉपर साथ दिया और बहुत अच्छे तरीके से हमने रैली निकाली और नॉमिनेशन को करा उसको। कितनी आपकी हाइट है इस वक्त? मेरी 3 फुट 8 या 9 इंच समथिंग है। तो कन्विंसिंग में आपको लगता है कि हाइट तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी? तो मेरा प्लस पॉइंट है, अगर प्रॉब्लम होती तो आप यहाँ तक कैसे आते? अभी तो आया हो ना, अगर प्रॉब्लम कोई अपने घर पे प्रॉब्लम ढूंढता है, प्रॉब्लम होती है कहीं जाता है, नहीं जाता ना, प्लस पॉइंट होता है, आप भी आए हो ना, वैसे ये प्लस पॉइंट है। तो कैसा लग रहा है इस वक्त, लोगों का से मिल रहे हैं? लोगों ने अपील की थी, इलाके के लोगों ने? हाँ जी जरूर अपील की थी, मेरे मिलने वालों ने, सबने मुझसे, मुझे तो पिछले 5 सालों से अपील की जा रही है, पर इस बार मैंने उनकी सुनी और इस बार मैंने नामांकन करा। क्या प्रायोरिटीज हैं इस बार चुनाव की, आप किन प्रायोरिटीज पे चुनाव लड़ रहे हैं? स्वच्छता है सबसे बड़ी प्रायोरिटी, स्वच्छता। दूसरी प्रायोरिटी है जो हमारे यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो राशन कार्ड, आधार कार्ड की वजह से सरकारी योजना राशन से वंचित रह जाते हैं, उनके राशन कार्ड और आधार कार्ड बनवाने हैं और सरकारी योजना का लाभ देना है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो बड़े बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ पाते और फीसें नहीं भर पाते सरकारी स्कूल होने के बावजूद भी, उनके लिए सरकारी स्कूल, हमारे यहाँ पे सरकारी स्कूल अवेलेबल है, फिर भी वो एडमिशन नहीं ले पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते, उनकी भविष्य को सिक्योर करना है। तो क्या लगता है कि जो सरकार की योजना है बेनिफिशियरी रही बीजेपी की? ऐसे मैं किसी को टारगेट नहीं करूँगा जब तक मैं उसकी जड़ तक नहीं जाऊँगा, मैं समझूंगा। ऐसा नहीं होता कोई योजना निकालता है तो उसके प्लस पॉइंट होते हैं, माइनस भी होते हैं, पर हमें प्लस पॉइंट पे देखना है ना, माइनस पॉइंट पे देखना है। आपको लगता है कि आपकी इसमें जीतने में जो आप चुनाव लड़ेंगे तो आपकी हाइट प्लस पॉइंट है? हाँ जरूर है, जब ऊपर वाले ने बनाया तो सोच समझ के बनाया ना, बिना सोचे समझे कैसे बना देगा, वो देता है तो ले, अगर एक चीज लेता है देता 10 चीजें, इंसान को सब्र नहीं। तो लगता है कि जीत निश्चित है बिल्कुल? अब ये तो मेरा वक्त बताएगा, मेहनत मुझे करनी है और मेरा ऊपर वाला बताएगा और मेरा वक्त बताएगा। मैं कहूँ कि मैं जीतू, रावण की भी मैं नहीं रही तो मेरी कैसे रह सकती है। आज नॉमिनेशन कर दिया आपने? हाँ जी, आज तो लोगों के बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं? हाँ, लोगों में बहुत प्यार मिल रहा है मुझे, तभी तो मैं नॉमिनेशन करा, अगर मुझे प्यार ही नहीं मिलता तो मैं आगे कैसे बढ़ता। आज वो लोग टेंशन में है जो मुझे कुछ नहीं समझते थे, पर मैं उनसे भी कहूँगा कि आप प्यार से रहें और विश्वास से रहें। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मेरी माता जी हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरी भांजी हैं, मेरी बहनें हैं 3, वो शादीशुदा हैं। तो मोटिवेशन सबका है? हाँ, सपोर्ट सबका है, सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है सबका, तभी तो, जब तक हमारी जड़ मजबूत नहीं होगी तो पेड़ कैसे खड़ा होगा सर। बीच में कोई भी बाधा नहीं होती, ये तो ऐसे थे, अपने कोरियर का काम करता है, मैं कई बार हैरान रह जाता हूँ, भाई इतना काम कैसे बढ़ा रहा है, और सबसे साथ मेल जोल लगता है, किसी से कोई, सबके जब भी मिलता है हाथ जोड़ के मिलता है। तो आज नॉमिनेशन की इन्होंने इच्छा जताई फिर? हाँ जी, इन्होंने कहा था 6 महीने पहले, मुझे कहा था भाई मैंने पर्चा भरना है, हमने पहले इसको मना करा, इसने कहा नहीं पापा भरना है, फिर मम्मी से मनाया, मम्मी ने, फिर सबने कहा भाई चलो भैया तेरी इच्छा है तो तू भर ले भैया। सब सो सपोर्ट में आए इलाके के? हाँ जी बिल्कुल, भगवान की दया, मोहल्ले वाले भी कह रहे हैं आप चिंता मत करो वोट आपको देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है।